हेलो एवरीवन, और आज की रेसिपी है एग मायो सैंडविच। ये एक कोल्ड सैंडविच है जो बहुत जल्दी बनता है, हेल्दी भी है और टेस्टी भी होता है। इसके लिए आपको चाहिए एग्स। मैंने यहाँ पे 5 अंडे लिए हैं और ये हार्ड बॉइल्ड हैं। मेक श्योर कि आप हार्ड बॉइल्ड एग्स लीजिए। एग्स को बॉईल करने के बाद इनका जो एल्ब्यूमिन और योक है इन्हें सेपरेट कर लीजिए, यानी कि द येलो पार्ट एंड द वाइट पार्ट, इन दोनों को सेपरेट करके अलग अलग रख लीजिए। ये हमको आगे प्रोसेस करने हैं। जो येलो पोर्शन ऑफ द एग है ना, इसको आप फोर्क की मदद से प्रेस कर लीजिए। बेसिकली इसको एकदम ये सॉफ्ट हमको पाउडर जैसा बना लेना है। ये चंकी नहीं होना चाहिए, जितना फाइन आप इसको कर लेंगे उतना बेहतर है। आप इसे चाहें तो जो ग्रेटर होता है ना कद्दूकस, उसमें से भी निकाल सकते हैं, यानी कि ग्रेट कर लीजिए इनको, सो दैट बिल्कुल ही एक लम्प फ्री मिक्सचर आपको मिल जाए। और जो वाइट पार्ट ऑफ द एग है इसको चॉप कर लीजिए। आप इसको भी ग्रेट कर सकते हो, चॉपर में चॉप कर सकते हो, चाहे तो नाइफ से भी इसको काट लीजिए, पर इसमें ना थोड़ा सा टेक्सचर रहेगा, बाइट रहेगा, तो फिर सैंडविच खाने में अच्छा लगेगा। अगर इसको भी बिल्कुल ही फाइन कर देंगे ना, तो ब्रेड देन योक देन वाइट पार्ट भी सेम ही, तो टेक्सचर ही लूज़ हो जाएगा सारा, सॉफ्ट सॉफ्ट सैंडविच बहुत लोगों को नहीं अच्छा लगता है। इसलिए मैं इसको नाइफ से काट रही हूँ, थोड़ा सा टेक्सचरस रहेगा तो बेटर लगेगा। इसके बाद जो फिलिंग है ये बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। जो योक हम लोगों ने प्रेस करके रखा है इसमें डालेंगे 1 नींबू का रस। नींबू का जूस डालना ऑप्शनल है, बट इसमें इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है और एक फ्रेशनेस की फीलिंग भी आती है। एंड देन कुछ लोगों को एग की स्मेल से प्रॉब्लम होती है, वो स्मेल भी सप्रेस हो जाती है। काली मिर्ची का पाउडर मैंने डाला है, थोड़ा सा चाट मसाला मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ, एंड देन थोड़ा सा मेयोनीज। ध्यान दीजिए चाट मसाला और मेयोनीज में नमक है, आप एडिशनली और नमक चाहते हो तो यहाँ थोड़ा सा नमक ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा छोटा सा प्याज बारीक काट कर भी मैंने यहाँ ऐड किया है, और अब इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। आपको ये मिक्सचर थोड़ा सा सॉफ्ट लग रहा होगा कि ज़्यादा मेयो है, बट ट्रस्ट मी ऐसे ये अच्छा लगता है खाने में, थोड़ा सा यू नो मॉइस्ट लगता है। अगर आप बिल्कुल ये जो स्टफिंग है ड्राई बना लोगे तो सैंडविच काफ़ी ड्राई आपको फील हो सकता है। अगर आपको लगता है कि आपकी स्टफिंग थोड़ी ड्राई होनी चाहिए तो आप मेयोनीज़ का 1 स्पून कम कर सकते हैं, बट दैट वेज इट टेस्ट बेस्ट। मैंने जो काटा हुआ एल्ब्यूमिन था वो भी ऐड कर दिया और सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर दिया। इसके बाद सैंडविच असेंबल करेंगे। एक लेयर के ऊपर ये जो स्टफिंग है जितना आपको पसंद है उतना डाल दीजिए। एज आई सेड, ये कोल्ड सैंडविच है, इसको ग्रिल करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही बस लेयर कीजिए और इसके बाद इसे काट लीजिए। अब आप इसे चाहें तो 2 रेक्टेंगल्स में या 2 ट्राइंगल्स में या 4 स्क्वायर्स या 4 ट्राइंगल्स में काट सकते हैं, पर कैसे भी काटिए ये बनता बड़ा मज़ेदार है, झटपट रेसिपी है, टेस्टी भी लगती है। गिव दिस रेसिपी अ ट्राई, यू वुड लव इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, बाय बाय।